हेलो एवरीवन, एज़ यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो वी रीड अ स्टोरी अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, ओके, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी द चैप्टर नेक्स्ट टू इट। ठीक है, हम जो कहानी पढ़ी थी पिछले वीडियो में उसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इन दिस वीडियो। व्हाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। देखिए, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कहानी में, जब कहानी आपने देखी कि समीर एक जो था उसे एक तरह से उसको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में ज़्यादा आसानी होती थी, फैमिलियर था वो, और समीर दो जो था वो हिंदी बोलता था। ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। अब देखिए, दोनों एक तरह से अगर हम बात करें तो उन दोनों की जो लैंग्वेज थी डिफरेंट थी दोनों, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से बात की, कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। उन्होंने एक तरह से कोशिश की दोनों ने एक दूसरे से बात करने की, और ये क्यों किया, क्योंकि उन दोनों के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम। अब देखिए, समीर एक और समीर दो जो थे, दे बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स, है ना। एक तो हिंदू था समीर एक जो था, और समीर दो था मुस्लिम, तो दोनों ही अलग धर्म से बिलोंग करते थे। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। और ये जो दोनों डिफरेंट अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स थे, ये एक तरह से डाइवर्सिटी का ही एक हिस्सा है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। अब देखिए, इन अलग अलग रिलीजियस या धर्म से बिलोंग होने के बाद या कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग होने के बाद, किसका, समीर एक और समीर दो का, ठीक है, फिर भी ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ कल्चरल बैकग्राउंड ही इनका अलग है या उन्हीं चीज़ में डिफरेंस है, काफ़ी और चीज़ें भी थी जिनमें डिफरेंसेस था दोनों के बीच। कैसे, मान लीजिए जो समीर एक था वो स्कूल गया था, पढ़ा था स्कूल में, जबकि समीर दो जो था वो स्कूल नहीं गया था और क्या बेचता था, न्यूज़पेपर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वेयर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। अब देखिए, समीर दो जो था उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो स्कूल जा सके, क्योंकि ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड दैट्स वाई हिज फैमिली मेम्बर्स और हिज पेरेंट्स वर एक तरह से, मतलब वो इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि वो समीर को स्कूल भेज सके। इस वजह से उसको स्कूल जाने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं मिली। शायद आपने ये नोटिस भी किया होगा, कई सारे ऐसे जो एरिया हैं जहाँ पर मान लीजिए आप रहते हैं, तो वहाँ आसपास आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए कुछ होता है ठीक से, ना कुछ पहनने के लिए होता है, और कई बार ऐसा भी मतलब लोग होते हैं जिनके पास इवन रहने तक के लिए भी जगह नहीं होती, है ना। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। और ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ उतना देखने के लिए नहीं है जो हमने समीर एक और समीर दो के बीच देखा, कि चलो एक स्कूल गया एक स्कूल नहीं गया, एक इंग्लिश बोलता था एक हिंदी बोलता था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इनइक्वालिटी की, है ना,
असमानता की। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि डिफरेंस कितना था दोनों के बीच, यहाँ जो मेन पॉइंट है वो है इनइक्वालिटी का, यानी असमानता का। Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunities that are available to the other persons. हम देखिए inequality कब एक तरह से create होती है, inequality तब आती है जब जो लोग हैं सारे लोग उनको resources नहीं मिलते, opportunities नहीं मिल पाती हैं कि वो आगे बढ़ सके, बजाय उन लोगों के जिनके पास एक तरह से जो resources हैं वो available हैं, है ना। मान लीजिए जो लोग हैं या गरीब लोग जो हैं उनके पास पैसा नहीं होता, दे डोंट हैव इनफ मनी फॉर स्टडी, है ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पढ़ सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। और एक तरह से फिर बच्चे, जैसे मान लीजिए अब गरीब के बच्चे हैं या जो लेबर होते हैं उनके बच्चे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को देख के फिर उसी तरीके से वर्क करने लगते हैं कि हाँ हमें भी इसी चीज़ में आगे अपना काम करना है, और ना उनके पेरेंट्स पर इतना मनी होता है कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर उस हिसाब से बना पाए या उनको स्टडी करा पाए। लेकिन वहीं मान लीजिए कुछ ऐसे जो अदर पर्सन हैं जिनको ये सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, है ना। तो इस तरह से इनइक्वालिटी एक तरह से देखने के लिए मिलती है जब जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हर इंसान को इक्वली तरीके से नहीं मिल पाती है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दीज ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पर एक और इनइक्वालिटी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इट इज़ अ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जैसे आपने सुना होगा, जाति प्रथा जिसको बोलें, वो भी एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का सोसाइटी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड। अब देखिए कास्ट सिस्टम एक तरह से सोसाइटी में काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है, और सोसाइटी जो है वो डिवाइड कर दी गई है डिफरेंट ग्रुप्स में, और ये जो ग्रुप्स हैं वो उस हिसाब से एक तरह से बनाए गए हैं, जो लोग हैं वो जिस हिसाब का काम करते हैं, जो काम करते हैं उसी ग्रुप में उनको रखा गया है, है ना। एक तरह से जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर नथिंग है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं देवर पॉटर्स, मतलब कुम्हार हैं, तो आपको भी आगे चलकर एक पॉटर ही बनना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब ये एक तरह से मेंटलिटी बना ली गई है हमारी सोसाइटी में कि जो जो इंसान जिस कास्ट से बिलोंग करता है और उस कास्ट के हिसाब से उसका जो काम है उसके आगे आने वाले जो जनरेशन है वो भी वही काम करेंगी, है ना। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरेवर्सिबल। ये एक तरह से जो सिस्टम है कास्ट सिस्टम, ये अचल माना गया है। इरेवर्सिबल यानी अचल, मतलब जिसको कोई बदल नहीं सकता। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। अब देखिए क्योंकि ये एक तरह से मतलब बहुत कठोर नियम बना दिए गए हैं सोसाइटी के कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करती हो उसे करते हो उसी कास्ट का, उसकी कास्ट से रिलेटेड काम भी आपको करना होगा। तो इसी वजह से एक तरह से क्योंकि जो आप अब इस वजह से ये एक आपके लिए बाउंडेशन हो गई कि आप उसी प्रोफेशन का उसी प्रोफेशन को अपनाएंगे जो आपके पेरेंट्स का है, तो इस वजह से आपको ये एक तरह से ज़रूरी भी नहीं समझा जाता कि आप उस काम के अलावा जो आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन है उस काम के अलावा कुछ और जाने, क्योंकि आपको तो वही प्रोफेशन अपनाना है आगे जाके। तो इसलिए एक तरह से ज़रूरी भी नहीं समझा जाता कि आपको उस प्रोफेशन के अलावा कोई और चीज़ में ज़्यादा आपको एक तरह से जानने की कोशिश की जा सके। This created a situation of inequality, और यही जो चीज़ें हैं ये inequality की situation create करती हैं। You will read more about this and other inequalities in the following chapters। आप
इन्हीं सारी चीज़ों की लिए जो इनइक्वालिटी है या फिर और भी अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी हैं हमारी सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपके जो चैप्टर्स हैं इस बुक में उनमें पढ़ेंगे।